बच्चे हर देश का भविष्य और उसकी तस्वीर होते हैं। बच्चे ही किसी देश के आने वाले भविष्य को तैयार करते हैं। और भारत वही देश है जहां भगवान विष्णु को बाल रूप में पूजा जाता है और जहां के प्रथम प्रधानमंत्री को बच्चे इतने प्यारे थे कि उन्होंने अपना जन्म दिवस ही उनके नाम कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों के प्रति उनके प्यार और लगाव की वजह से हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में हुई और उनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा प्रियदर्शनी, जो आगे चलकर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के प्रधानमंत्री थे। वह एक प्रबुद्ध और विद्वान भी थे। वह अपने समय के सबसे लंबे नेताओं में से एक थे। वे जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने भिलाई, राउरकेला और बोकारो जैसे देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट स्थापित किए। इतना ही नहीं, IISc और IIT जैसे कई बड़े शैक्षिक संस्थान भी स्थापित किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने भारत और विश्व पर दो किताबें लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड। दोनों किताबों से भारत के साथ साथ दुनिया के बारे में भी काफ़ी जानकारी का पता चलता है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाकई में 146 पत्रों का संग्रह है जो उन्होंने अपनी एकमात्र बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था। पंडित नेहरू पुस्तकों से बहुत प्रेम करते थे। वे कहते थे, जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं वे हमारे सबसे अच्छी सहायक हैं। चाचा नेहरू को लाल गुलाब बहुत पसंद था। वे हमेशा अपने कोट में लाल गुलाब लगाते थे। 27 मई 1964 हिंदुस्तान की वह तारीख जिस दिन देश ने अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा के लिए खो दिया। तो आइए सही मायनों में बाल दिवस मनाते हैं। सबसे पहले गरीबी और अशिक्षा के गर्त में फंसे बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं और उनके अंधेरे जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलाते हैं।